कुशाल आपको कुछ बताने वाले हैं यहाँ पे। में बनाया हुआ है ये ब्रिटिश बंगलो। ये बैंगलोर जो बना है ब्रिटिश रूल जब था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है, और मैं आपको दिखा सकता हूँ। चले ऊपर चले, आप चल दे रहा हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए आप, ये बैंगलोर ब्रिटिश लोग के टाइम का ये बैंगलोर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये बना। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ इसका जो इंटीरियर है, ये देखिए ये इसका इंटीरियर है बैंगलोर का, मेरे पीछे आप देख सकते हो। और एक पेंटिंग है बहुत ही अच्छी, और साथ में ये पेंटिंग है। तो ये बैंगलोर है ब्रिटिश टाइम का। अंदर जा सकता है कुछ सर? हाँ, अरे अरे। तो ये है ब्रिटिश टाइम का बैंगलोर। हाँ, ब्रिटिश टाइम का बैंगलोर है, ब्रिटिश टाइम का आप देख सकते हो। देखो ब्रिटिश होता है और आप पीछे ये हिस्ट्री देख सकते हो उसकी, इसका हिस्ट्री है। हिस्ट्री होगा ये तो, ये ईयर्स है, ये डिप्टी कमिश्नर्स, ये पूरा कोहिमा का इन्होंने पूरा जो भी डिप्टी कमिश्नर्स है उनका लिस्ट दिया हुआ। तो ये बैंगलोर है आप देख सकते हो ब्रिटिश टाइम का, और इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको मेंटेन किया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको टूर करा रहा हूँ ब्रिटिश टाइम का सेकंड वर्ल्ड वॉर का ये बैंगलोर है, जिसमें कि बहुत ही अच्छा इंटीरियर है, आपको पसंद आएगा। देखिए ऐसा ट्रेडिशनल बैंगलोर आपने नहीं देखा होगा, एक अच्छा याद दिलाता है ये पुराने टाइम का। आप देख सकते हो नागा नागा कल्चर कितना टच में है, ये सब नागामीज वॉरियर की निशानियाँ रखी हुई हैं यहाँ पर, वही पुराने टाइम का टेबल और सोफ़ा लगा हुआ है। तो आई होप आप पसंद करेंगे। देखिए बफलो का एक रियल बफलो का स्ट्रक्चर है, पसंद आएगा आपको। देखो तो ये है ब्रिटिश टाइम का बैंगलोर, ये आप देख सकते हो नागालैंड का कल्चर। ये आपको जो मैं हॉर्नबिल बताता हूँ, ये हॉर्नबिल एक बर्ड होता है जिसके नाम से ये फेस्टिवल होता है यहाँ पे, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये देखो पुराने टाइम का यहाँ पे टेप रखा हुआ है, ट्रांजिस्टर जिसको रेडियो भी बोलते थे, और साथ में हॉर्नबिल की बुक्स भी हैं कुछ यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ। अवीला कबर्स, राहे फकीरा का कोई नोमा। तो ये काफ़ी, एक चेयर देखिए आप, बैम्बू की बनी ट्रेडिशनल चेयर रखी हुई है। और ये म्यूज़ियम, आप इसको बैंगलोर बोल सकते हैं, म्यूज़ियम भी बोल सकते हैं। ये देखिए वही ट्रेडिशनल बैंगलोर है ब्रिटिश टाइम का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का। नागालैंड कल्चर आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो कितना अच्छा है। हम लोग जा रहे हैं वापस, और साइड में ग्रीनरी बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ, तो अच्छा ब्यूटी है नागालैंड में। आप ब्यूटी बोले तो नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहा हूँ, आप कुछ और मत सोच लेना दोस्तों, है ना कुशल? हाँ। तो ये आप देखिए, ये मैं आपको बार बार इसलिए दिखाना चाहता हूँ, ये एक ट्रेडिशनल मुरुंग। व्हाट दैट मींस? द मुरुंग, द हट। हट, दिस इज द हट। सो कुसांग इज माय वेरी बेस्ट एंड ऑल फ्रेंड, वी वर्क टुगेदर। दिस इज गुड किस्म। Yeah, we work together in one of the organization. So from Mood, that was in India, organized industry. So this is something fascinating for me, because this time I'm exploring little more if I compare to my past art tricks in Nagaland. What do you say, Kusang?
Last time we have explored more, or right now? No, this is more than for when you came way back in 14. Yeah, 14. 14 or 15? I think it's 14, yes. 14. So, oh, it's almost 6 or 8 years you back. You spent only for 3 or 4 days. 4 days, yeah, right. So, no, you came, I mean, at once. You're going to stay for more than 2 weeks, a couple of weeks, yeah. Maybe. And then I have tried to talk with you regarding that depression and all. Then my first phase in my mind, Kusang, because the culture and climate is pretty good here. I try to relax more here. Try to eat some organic food, right? Yeah. And herbal tea to reduce the stress here.